नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्विक आंसर के अंदर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि फेफड़ों का टेम्परेचर किस तरीके से कोरोना के रेप्लिकेशन को प्रभावित करता है। दोस्तों नई स्टडी से सामने आया है कि ऊपरी व निचले श्वसन नली के नेचुरल टेम्परेचर में डिफरेंस कोरोना के रेप्लिकेशन और उसके बाद इम्यून सिस्टम की सक्रियता को प्रभावित करता है। दोस्तों एक PLOS बायोलॉजी नाम की पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में नए कोरोना वायरस SARS-CoV-2 की वृद्धि और इम्यून सिस्टम के सेलुलर डिफेंस सिस्टम के एक्टिव होने का आकलन किया गया है। दोस्तों इस खोज में वैज्ञानिकों ने नए कोरोना वायरस के संक्रमण के मार्गों की तुलना 2002-2003 में आए SARS-CoV-2 महामारी के वायरस से की। दोस्तों इस सारी स्टडी के सह लेखक बर्न विश्वविद्यालय के रोनाल्ड डिस्कमैन ने कहा कि SARS-CoV-2 और SARS-CoV-2 में जेनेटिक रूप से काफ़ी समानता है। दोस्तों यह वायरल प्रोटीन के एक जैसे कैरेक्टर प्रदर्शित करता है और दोस्तों ह्यूमन सेल को इफेक्ट करने के लिए सेम कलेक्टर का यूज़ करते हैं। दोस्तों कुछ साइंटिस्ट के अनुसार 2002-2003 में आए महामारी के वायरस की विशेषता जहां बीमारी की गंभीरता और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में सूजन थी, वहीं दोस्तों इस नए SARS-CoV-2 से नेजल डक्ट और रेस्पिरेटरी डक्ट समेत ऊपरी वायु मार्ग प्रभावित होते हैं, अर्थात गले का पोर्शन सबसे पहले इफेक्ट होता है। दोस्तों जो पुराना वायरस था उससे संक्रमित लोग लक्षणों की शुरुआत के बाद संक्रामक थे, ऐसे में उसकी पहचान और उसकी कड़ी को बाधित करना आसान था। किंतु दोस्तों इस नए SARS-CoV-2 में ऐसा नहीं है, इसमें जब तक लक्षण प्रकट होते हैं तब तक यह दूसरे में फैल जाता है। दोस्तों वैज्ञानिकों ने इन दोनों वायरस के रेप्लिकेशन का प्रभाव रेस्पिरेटरी डक्ट के टेम्परेचर को जानने के लिए किया। उन्होंने एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी डक्ट ली तथा दोनों वायरस का टेम्परेचर नोट किया कि कौन सा वायरस किस टेम्परेचर पर ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो उन्होंने देखा कि SARS-CoV-2 के रेप्लिकेशन में टेम्परेचर की अहम भूमिका है। अगर श्वसन नली का तापमान 33 डिग्री होता है तो यह आसानी से अपना रेप्लिकेशन कर सकता है, लेकिन दोस्तों SARS-CoV-2 में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। तो दोस्तों अगर हम बॉडी टेम्परेचर 33 या उससे कम होता है तो यह अपना रेप्लिकेशन बड़ी तेज़ी से करता है तथा कुछ ही टाइम में फेफड़ों को संक्रमित कर देता है, जबकि SARS-CoV-2 पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी के पास जाए और लोग सतर्क हो सकें। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।